हाय गाइस, वेलकम बैक। सो ये वीडियो में मैं आपसे क्विकली शेयर करना चाहती थी एक ऐसा ट्रिक जो मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ अपने पिंपल के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। सो मैंने सोचा आई शुड शेयर दिस इन्फो विथ यू गाइस आल्सो। सो चलिए देखते हैं व्हाट ऑल डू यू नीड टू रिड्यूस योर एक्ने। आप इसके लिए चंदन का पाउडर यूज़ कर सकते हैं या तो रियल सैंडलवुड यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यूजुअली जो रियल सैंडलवुड है वो यूज़ करती हूँ। जो स्टोन है उसके ऊपर आपको थोड़े ड्रॉप्स पानी के डालने हैं और सैंडलवुड को स्टोन के ऊपर घिस के इसका पेस्ट बना लेना है। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जिससे आप आपके एक्ने स्पॉट्स पे लगा सके, और जहाँ पे मेरे करंट एक्ने हैं वहाँ पे मैं उसको लगा देती हूँ। तो आपको ये अपने स्पॉट्स पे लगाए रखना है जब तक कि ड्राई नहीं हो जाता। ड्राई होने के बाद आप नॉर्मल पानी से इसको रिमूव कर सकते हैं। आप सैंडलवुड पेस्ट को अपने एक्ने में दिन में 3 से 4 बार लगा सकते हैं और रात को सोते वक्त भी लगा सकते हैं। सैंडलवुड बहुत ही कूलिंग है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है जो आपके एक्ने को बहुत तुरंत ही रिड्यूस कर सकता है। आप ये चंदन पेस्ट आपके एक्ने स्पॉट्स पे भी लगा सकते हैं या तो जहाँ पे पूरा अफेक्टेड एरिया है एज अ फुल फेस पैक भी लगा सकते हैं। अगर आपने चंदन कभी नहीं यूज़ किया है आपके एक्ने को ट्रीट करने के लिए तो ज़रूर यूज़ करिए, और यूज़ करने के बाद उसके रिजल्ट्स मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून। बाय।